हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो यानी कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने जो है ये सीरीज स्टार्ट किया है हैशटैग टेक अतुल का, जहां पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं मैं आपसे शेयर करता हूं। और इस सीरीज़ में जो है कोई भी हम लोग जो है इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए सिर्फ क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही जो है नॉलेज लेना काफ़ी है? अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल का नॉलेज ही जो है हमें प्लांट में जो है ग्रो करवाएगा, तो आप जो है गलत है। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट वीडियोज़ हैं उसके लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उधर से जा करके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि आखिर ये जो प्लांट में हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को साथ लेके चलेंगे तो क्या हम लोग ग्रो कर पाएंगे, या फिर हमें हर फील्ड से रिलेटेड जो है नॉलेज लेना चाहिए? तो गाइस, मैं आपको अभी जो भी बातें बताऊँगा ना, मैं वो जो है अपने खुद का एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैं जो है एक बार ड्यूटी पे था, और उस टाइम जो है हमारा सीमेंट मिल वो जो है गर्थ गियर के फॉल्ट आकर के वो जो है बंद हो गया अचानक। अब उस जगह में मैं भी पहुंचा और मैकेनिकल का भी जो है इंजीनियर उस जगह में पहुंचा। अब मैकेनिकल का इंजीनियर जो है मुझे ब्लेम कर रहा है कि देखो ये जो है नोजल स्प्रे में प्रॉब्लम है, ऊपर सर को फ़ोन करो, सर को पूछो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन उस टाइम जो है मैकेनिकल का 1% भी जो है उस जगह में फॉल्ट नहीं था। उस जगह में फॉल्ट था तो मैकेनिकल का था, जहां पर ग्रीस ड्रम के अंदर जो है एक सबमर्सिबल पंप लगे होते हैं, और वो पंप जो है उस टाइम खराब हो गया था। अब गाइस, वो पता कैसे चला? जब मेरे सर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ग्रीस ड्रम के ऊपर में जो प्रेशर गेज लगा हुआ है, यानी कि वहाँ जो कितना केजी पर सेंटीमीटर पे जाता है, वो जो है जीरो में आ गया था। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ जो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है अगर नॉलेज है, तो जो है आप प्लांट में जो है जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको इसके साथ साथ मैकेनिकल का और प्रोसेस डिपार्टमेंट का भी कुछ जो है नॉलेज आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो गाइस, ये सब जो है आपके एक्सपीरियंस से ही होने वाला है। आपको जो भी बता दो या फिर दूसरे लोग कुछ भी आपको बता दे, इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो भी जब वर्क कर रहे हो, तो आप ही अपने दिमाग पे इस बात का ध्यान रखना कि मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो भी अपना प्रोसेस डिपार्टमेंट का और मैकेनिकल का जो भी सिस्टम वगैरह लगा हुआ है वो कैसे वर्क करता है, उस पर भी जो है मैं ध्यान दे सकूँ, जिससे कि मैं अपने ग्रोथ को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर पाऊंगा। तो गाइस, मैंने अभी जो बताया ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने आपसे शेयर किया। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।